हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और इसके अलावा पढ़ाई आप कंटिन्यू करते ही जा रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम मैटर इन आर सराउंडिंग, हम चैप्टर 1 CBSE बोर्ड के लिए क्लास 9th के लिए ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पार्ट 1, कुछ चीज़ें पार्ट 2 और कुछ चीज़ें पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैटर की स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अभी डिस्कस कर रहे थे कि मैटर कैसे अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। ओके, तो हम देखें यहाँ पे हमने क्या देखा है, सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कुछ जो सॉलिड होते हैं, पहले तो हमने डिस्कस किया कि सॉलिड जो कन्वर्ट होते हैं पहले लिक्विड में और फिर लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है किसमें, गैसियस स्टेट में। और अगर देखा जाए गैसियस स्टेट पहले कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट फिर कन्वर्ट होता है सॉलिड स्टेट में। ओके, ये कन्वर्जन अभी तक हमने पढ़े थे किसमें, जैसे हमने एग्जांपल लिया था आइस को हमने मेल्ट किया तो पहले बना वो क्या, वाटर, और वाटर को फिर मेल्ट किया और एवेपोरेट किया तो क्या बन गया, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड को किसमें, कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करते, सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में। सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में। पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पे, मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आई है बीच में, यहाँ पे सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो गया है किसमें, लिक्विड स्टेट में। ओ सॉरी, सॉलिड स्टेट सीधा कन्वर्ट हो गया है गैसियस स्टेट में। ऐसे एग्जांपल चलो आप याद कीजिए ज़रा, हम अपने घर के डेली लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है सीधा गैसियस स्टेट में। तो आपने देखा होगा कपूर, कैम्फर बोलते हैं जिसको, हमारे घरों में पूजा के टाइम में यूज़ किया जाता है कपूर। तो कपूर को हम देखें, अगर हमारे पास में थोड़ा सा एक टुकड़ा है कपूर का तो आप अपने घर पे एग्जांपल करके देख सकते हैं, आप उसे थोड़े टाइम के लिए, एक दिन के लिए रख दें थोड़ा कहीं किसी भी प्लेस पे, नेक्स्ट डे वो वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया होगा, जितना अमाउंट आपने रखा होगा उतना अमाउंट नहीं होगा, यानी कि वो जो सॉलिड था वो सॉलिड कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, गैसियस स्टेट में। वहाँ पे लिक्विड भी नहीं मिलेगा, कुछ ना लिक्विड मिलेगा ना गैस, गैसेस तो क्या, गैस एनवायरनमेंट में वो चली जाती है, वो वहाँ पे रुकी तो रहेगी नहीं कि भाई हम यहीं बैठे रहेंगे, आप देखिए हमारा वेट कीजिए, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। इसी तरह हम देखते हैं हमारे घरों में कपड़ों के साथ में उनसे, उन्हें इंसेक्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाते हैं क्या, मॉथबॉल्स। आप सभी ने देखे होंगे गोल गोल वाइट वाइट वॉल्स होते हैं जो हमने घरों में कपड़ों के साथ लपेट के रख देते हैं, उनसे एक अजीब सी स्मेल भी हमें आती है, वो स्मेल होती है इंसेक्ट वगैरह के लिए होती है, जिनसे वो इंसेक्ट कहाँ हमारे कपड़े वगैरह नहीं खाते हैं, मतलब खराब वगैरह नहीं करते हैं। तो देखते हैं ये क्या, अगर आपको नहीं पता आप मम्मी वगैरह से पूछ सकते हैं अपनी, वो आपको बताएंगे, या आपने भी अपने घर पर देखा होगा ये वाली चीज़ें। तो देखते हैं हम उसमें क्या, वो वॉल्स होती हैं जो जब हम रखते हैं तब तो वो बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं दोबारा से उनको निकाल के, तो उनका साइज जो पहले था उसके कंपेयर में छोटा हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, छोटा। वो कहां गया, क्या हमें कपड़ों में कोई लिक्विड मिला, नहीं मिला, वो सीधा सॉलिड कन्वर्ट हो गया था किसमें, गैसियस स्टेट में। और इसी प्रोसेस को, सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सब्लिमेशन। क्या नाम दिया जाता है, सब्लिमेशन। पॉइंट याद रखना है आपको, क्या है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब हम एक्टिविटी देखते हैं, तो एक्टिविटी क्या है, टेक सम कैम्फर, हमने कुछ कपूर लिया और अमोनियम क्लोराइड, हम अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, क्रश कर लिया मतलब इसके एक, मतलब इसको पीस के हमने चूरन टाइप का बना लिया है, पुट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश होता है क्या, एक मतलब पोर्सलाइन का बना हुआ डिश होता है जिसको हम किसके गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पर, लेबोरेटरीज वगैरह में। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और एक फनल लेके हमने चाइना डिश के ऊपर रख दिया है। पुट अ कॉटन प्लग और स्टैम्प ऑन द फनल, अब इसके ऊपर देख रहे हैं हम कॉटन प्लग भी रख दिया है, फनल उल्टा करके रखा हुआ है, और नीचे से क्या कर रहे हैं हम इसको हीट कर रहे हैं बर्नर के थ्रू, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स लिए हैं। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब हम इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट
इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये मैंने आपको बताया जस्ट अभी पहले कि एक सॉलिड मतलब स्टेट चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन लिक्विड। लिक्विड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, सीधा गैसियस स्टेट में आ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज होने पे क्या? अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कभी किसमें हम जो प्रेशर बिल्कुल रिमेन रख रहे थे किसमें? एक एटमोस्फियरिक प्रेशर पे बात कर रहे थे, जितनी भी चीज़ों की अभी हम बात कर रहे थे वो क्या? एटमोस्फियरिक प्रेशर। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर चेंज करें। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। वॉट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर? Will the particles come closer? बिल्कुल। देखें अब पहले हमने जो लिया हुआ है पार्टिकल्स उसमें क्या है? दूर दूर है, लेकिन जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पास पास तो डेफिनेटली आ जाएंगे। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे थ्री ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में पहला क्या है? पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन अभी ऊपर है, लेकिन जैसे ही हमने पिस्टन को थोड़ा प्रेस किया तो पार्टिकल्स कहाँ आ गए? पास पास आ गए। और ज़्यादा प्रेस किया तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्लोज आ गए। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या ये कर सकता है? बाय अप्लाइजिंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टू गेदर। पास पास आ गए, देख रहे हैं। अब अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हैव यू हियर्ड अबाउट योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के बारे में आप सभी ने सुना है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको कहाँ पे हम हाई प्रेशर में रखते हैं? सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। जो सॉलिड CO2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीधा गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 180 m, यानी 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर। जैसे ही उसका प्रेशर डाउन होता है वो सॉलिड CO2 से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे हमें क्या पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे हमें ये पॉइंट समझ में आया कि जो प्रेशर है उसको चेंज करने पे भी मैटर की स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। तो विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, ये भी सीधा सॉलिड से किसमें आ गया है? गैसियस स्टेट में। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस। इसी वजह से सॉलिड CO2 को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस में आप बता सकते हैं कि ये होता है सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। ओके, दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो इससे हमें क्या पता? एक तो प्रेशर और एक क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखा हमने किस तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर लिया, गैस को हमने फिर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को वापस हमने कैसे फिर उसमें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये इंटर कन्वर्जन जो भी हो रहे हैं वो टेम्परेचर के थ्रू देख लिए, और इसके अलावा हम किसके थ्रू? प्रेशर के बेसिस पे भी देख चुके हैं कि कैसे इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। तो व्हेन इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस, तो देखो यहाँ पे हमें कन्वर्जन समझना है। सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड, आप सॉलिड पे देखिए। सॉलिड को जब हमने क्या किया? मेल्ट किया, तो प्रोसेस को फ्यूजन भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग भी। तो मेल्ट किया तो कन्वर्ट हो गया है किसमें? लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अगर लिक्विड को हमें क्या करना है? सॉलिडिफिकेशन यानी फ्रीजिंग कह सकते हैं, या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू वापस ला सकते हैं हम सॉलिड स्टेट में। अब बात करें लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, तो लिक्विड को अगर वेपराइज कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। लिक्विड को अगर वेपराइज कर रहे हैं मतलब और हीट दे रहे हैं तो हो जाता है वो गैस में कन्वर्ट। लेकिन गैस को कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मींस होता है एक कंडेंसर अप्लाई कर देते हैं हम, जिसमें जिस प्रोसेस में उस गैस को ठंडा किया जाता है। कंडेंसर मतलब क्या होता है? ठंडा करना। तो उस गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वापस लिक्विड में। तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन आपने समझ लिया, लिक्विड टू गैस भी कन्वर्जन आपने समझ लिया। लेकिन बात करें अगर सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, अगर सॉलिड से विदाउट कन्वर्टिंग इंटू लिक्विड सीधा कन्वर्ट हो रहा है गैस में, प्रोसेस का नाम होगा सब्लिमेशन। एग्जाम्पल भी हम दे सकें, मॉथ बॉल्स, ओके, कैम्फर। और इसके बाद अगर बात करें गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो उसे भी
उसे कहते हैं सब्लिमेशन ही लिखा है यहाँ पे, लेकिन सब्लिमेशन नहीं, डिसब्लिमेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिसब्लिमेशन। दोनों सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, सब्लिमेशन, और गैस कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, डिसब्लिमेशन। मतलब ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, प्रोसेस का नाम बताइए, तो प्रोसेस नाम आप क्या बताएंगे? वेपराइजेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो रहा है गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, प्रोसेस का नाम बताइए, तो आप प्रोसेस नाम क्या बताएंगे? सब्लिमेशन। ओके, इस तरह की क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब अभी मैंने आपसे एक टर्म बताया था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे, यानी एटीएम। एटीएम इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, कि एक कोई गैस है कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है वो क्या कहलाता है? उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, जिसे पीए से डिनोट किया जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये यूनिट आपको याद रखना है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर किसका? एयर का, एटमॉस्फेयर में। तो देखो, पहला टर्म एटमॉस्फेयर, दूसरा टर्म प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट तो आपको पता ही है क्या होता है? पास्कल होता है। तो द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम देते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहाँ से कैसे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एवेपरेशन के बारे में समझ लेते हैं हम जरा। एवेपरेशन क्या होता है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमें हीट की ज़रूरत होती है प्रेशर, हीट और प्रेशर की चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू क्वाइट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? देखो, पहले जो हम कन्वर्ट कर रहे थे लिक्विड को गैसियस स्टेट में, वो पहले कहाँ पहुँच रहा था? लेटेंट हीट पर पहुँच रहा था, मतलब कि कन्वर्ट हो रहा था किसमें? एक हीट के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था। बट यहाँ पे हीट का ऐसा तो रोल है ही नहीं किसमें, कि जिसमें क्या किया जाए, लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, कि ये उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे तभी जाके हो ऐसा पॉसिबल। तो वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड, देखा होगा जब हम अपने घर में पानी खुला छोड़ देते हैं, या देखा होगा था कभी सतह पे, मतलब नीचे सरफेस पे पानी फैल गया है और एक गिलास पानी हमारा गिर गया, फैल गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद, एक दो घंटे बाद देखते हैं, मोस्टली ऐसा गर्मियों में होता है, पानी जल्दी इवेपरेट हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? जल्दी इवेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में थोड़ा सा उन्हें उसे ज़्यादा टाइम लगता है, और थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम, टाइम लगता है। लेकिन देखा जाए गर्मियों के सीजन में तो वो जल्दी क्या हो जाता है? एवेपरेट हो जाता है। तो एवेपरेट होना क्या हुआ, समझे आप? यहाँ पे एवेपरेशन कैसे हुआ? पानी को हमने क्या खुला छोड़ दिया है, सिर्फ, और कुछ किया नहीं किया, सिर्फ क्या किया, खुला छोड़ दिया है। तो देखें, व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर, धीरे धीरे ये वाटर जो, यानी ये जो लिक्विड था वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा बैटर में। ऐसे ही हम, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, बेट क्लॉथ ड्राई अप, हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं। वॉट हैपन टू वॉटर इन द अबव टू एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल में वॉटर के साथ क्या हुआ? इसमें धीरे धीरे वॉटर क्या हो गया हमारा? एवेपरेट हो गया। क्या हो गया है? एवेपरेट हो गया। तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। पार्टिकल्स, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, उनमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है किसके थ्रू? हीट के थ्रू। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी।
तो लिक्विड्स के केस में देखें, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, मतलब एक छोटे से पार्ट में सरफेस पे देखा जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह से वो बाकी के जो और पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेगा, लूज कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वेपर में। प्रोसेस समझ में आया क्या? जो ऊपर सरफेस वाला होगा उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब वो जब काइनेटिक एनर्जी अदर पार्टिकल्स के कंपेयर में जब ज़्यादा हो गई है तो उन अदर पार्टिकल्स से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना जो है वो ब्रेक कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यही फिनोमेना जो अभी हमने क्या किया, कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में, यही कहलाएगा एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपरेशन। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है एवेपरेशन। टर्म क्लियर हुआ किस तरह से एवेपरेशन हुआ, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा ये, अपना सिर्फ जो सरफेस था उसका, सरफेस का काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये सब हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। फैक्टर अफेक्टिंग एवेपरेशन, एवेपरेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे, दिस विद इन एक्टिविटी। तो क्या क्या, सॉरी, टेक 5 ml ऑफ वाटर इट अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml वाटर लिया, एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, हमने विंडो के पास में या किसी फैन के पास, अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था जैसा कि सरफेस पे हमने पानी खुला छोड़ दिया, उसको एवेपरेट होने में कितना टाइम लगा, इसको सेम वही एग्जाम्पल हम विंडो के पास में रख दें या फैन के पास में रख दें। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिस एंड कैप इन इनसाइड अ कवर्ड और सेल्फ इन योर क्लास, तो देखो एक को हमने अंदर कवर्ड के अंदर रखा हुआ है और एक को खुला छोड़ दिया है। अब ऑब्वियसली ये तो आपके माइंड में आ ही हो गया होगा कि कौन सा जल्दी वेपरेट हो जाएगा, जो अंदर रखा है वो वाला या जो हमने विंडो के पास में या फैन के पास में रखा है वो वाला। तो अब हमने रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डेज टेकन टू वेपरेट, प्रोसेस इज अबव केस, रिपीट द अबव 3 steps ऑफ एक्टिविटी ऑन द रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, वॉट डू यू इन for about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation. तो evaporation rate पे किन किन का effect पड़ा, किन किन चीज़ों का effect कर पड़ा, ये हमने observe किया। observe करने पे हमें क्या पता चला, an increase of surface area. सबसे पहले इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, देखें जहाँ पे ज़्यादा एरिया है, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पे हमारा एवेपरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। क्या समझना है, वी नो दैट द एवेपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपरेशन इंक्रीजेस। जैसे अगर हम सरफेस पे पानी फैलाएं और एक ग्लास में रख लें तो ग्लास वाले पानी को एवेपरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और जो हमने सरफेस पे फैला दिया है पानी वो जल्दी एवेपरेट हो जाएगा। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे ही हमारा सरफेस एरिया बढ़ा वैसे ही हमारा रेट ऑफ एवेपरेशन भी इंक्रीज हो गया है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जी, देखो अब देखें हम अगर गर्मियों में देखा जाए तो गर्मियों में क्या होता है, पानी जल्दी एवेपरेट हो जाता है, और सर्दियों में देखा जाए तो पानी एवेपरेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट ऑफ एवेपरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया उनके पार्टिकल्स में क्या होने लगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जनरेट हो गई और वो जल्दी ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। ह्यूमिडिटी जानते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होता है, पहले तो ह्यूमिडिटी को समझ लेना है। ह्यूमिडिटी होता है कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एयर में, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। If the amount of water of water in air is already high, अगर amount of water क्या है air में already ज़्यादा है तो the rate of evaporation decreases,
उस कंडीशन में अगर हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाएगा, अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है उसमें एनवायरमेंट में तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट में क्या है, वाटर है, वाटर कंटेंट है, मतलब कि ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड हवा देखें, अगर हवा तेज चल रही होती, विंड स्पीड चल रही होती, फैन के आगे रखें किसी वाटर को इवेपोरेट होने के लिए और बिना फैन के रखें, कौन सा वाला जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जो फैन के साथ में होगा। देखा होगा आपने जब घर पे पोछा वगैरह लग रहा होता है तो क्या होता है, मम्मी फैन चला देती है, और जब मम्मी फैन चला देती है तो क्या होता है, सरफेस पे जितना भी पोछा लगा हुआ वाला पानी होता है वो जल्दी सूख जाता है, और अगर फैन नहीं चलता है तो टाइम लगता है। तो देखें, इससे ही हमें विंड स्पीड समझ में आ जाएगा कि जब विंड स्पीड ज़्यादा था उस कंडीशन में रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या था, ज़्यादा था, और जब विंड स्पीड स्लो हुई तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या हो गया, कम हो गया है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लाउड्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो विंडी डेज होते हैं उनमें हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, हवा के साथ क्या करने लगते हैं, वो वाटर पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, ओके, और हमारे वाटर वेपर की जो वो होता है उसको कम कर देता है। हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, एवेपोरेशन से, अब हमें देखो पॉइंट ये समझना है कि एवेपोरेशन से हमारा एनवायरनमेंट कैसे ठंडा हो जाता है। हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरह से ठंडक होती है, इन एन ओपन वेसल अ लिक्विड कीप ऑन एवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वर सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। तो देखा हमने क्या क्या हुआ, क्या था, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द, उसने अपने चारों तरफ से क्या क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, और एनर्जी एवेपोरेशन की वजह से क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। मतलब यहाँ पे गर्मी है, सोचिए यहाँ पे क्या है, गर्मी है, अभी गर्मी है तो अगर पानी डला हुआ है तो जब वो पानी एवेपोरेट होगा तो यहाँ की हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट को जब एवरेज करेगा एब्जॉर्ब करेगा हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंडक तो हो जाएगी ऑब्वियसली, जब उसने उस हीट को एब्जॉर्ब ही कर लिया है तो क्या हो जाना है, कूलिंग हो जानी है, और हमारे चारों ओर का एरिया जो है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ओके। अब देखें यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं, तो वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, समर में हम ठंड कैसे कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, तो ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, जो कि हमें क्या रखती है, ठंडा रखती है। वी नो दैट ड्यूरिंग एवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम, हमारे चारों ओर से एनर्जी गेन कर लेते हैं और बॉडी सरफेस और चेंज इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वेपर में। अब जब इसको कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने वेपर में, तो हमारे जो क्लॉथ्स होंगे उसमें क्या आ जाएगी, एक तरह की ठंडक रहेगी। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, इस तरह से हमारी बॉडी ठंडी होगी। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, आप जानते ही कि कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देखो, और अगर इन कंपेरिजन देखा जाए पॉलिएस्टर वगैरह तो ये बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिससे हमें इचिंग वगैरह और रेसेस वगैरह स्किन पे हो जाते हैं। तो बेटर कौन से होते हैं, कॉटन क्लॉथ ही होते हैं हमारे लिए। तो वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन, तो क्या करते हैं ये कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं कि हमारे जो पसीना होता है स्वीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, उस वजह से जब जी एटमॉस्फेयर में जाएगा एवेपोरेट होगा और एवेपोरेट होने पे जो उस हीट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, उस हीट को वो जो हमारा स्वीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्लॉटन क्लॉथ समर में ठंडा फील कराते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, तो लेट अस टुक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ थर्मो, हमने देखा सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस, यानी कि वाटर की बाहर वाली,
ग्लास में हमने क्या लिया, आइस के टुकड़े लिए, लेकिन हमें बाहर भी क्या दिखाई दे रहा है, आइस के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों दिख रहा है, द वॉटर वॉपर वॉटर वेपर, हमने क्या बताया कि वॉटर वेपर कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे एटमोसफियर में, वॉटर वेपर का कंटेंट जो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लास कोल्ड ग्लास, तो जैसे ही जो बाहर की ह्यूमिडिटी यानी वॉटर का वॉटर वेपर जो है बाहर की एनवायरमेंट की कहाँ पे ग्लास के कॉन्टेक्ट में आई, ग्लास के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है, तो वो क्या कर देती है, उसको ठंडा कर देती है। और ठंडा करने पे क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो इस तरह से वो हमें दिखाई देते हैं किसमें, वॉटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। इस तरह से ये चैप्टर वन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। और इसके अलावा आपने इसके इस पार्ट के अलावा अदर पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उन पार्ट्स को समझिए, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट फोर में। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।